पॉलिटिकल नेता बता दीजिए जिसने गोवा के लोगों के लिए अपनी शरीर को इतना तपाया हो कि 5 दिन वो भूखे रहे, किसी ने नहीं किया। कोई 10 करोड़ लेता है, कोई कहते हैं 15 करोड़ लिए उसने, कोई 20 करोड़ लिए, ये उस पार्टी में चला गया, उसने उसकी सरकार छोड़, यही तो चलता है। तो जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है। सर जंतर मंतर के आंदोलन के बाद आपको सत्ता मिली, तभी पॉलिटिशियंस ने कमेंट किया है कि अन्ना हजारे के साथ आंदोलन करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता मिली है, इसके बाद ये गोवा में शुरू हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? जनतंत्र के अंदर सत्ता देना या सत्ता से उखाड़ना जनता का काम है, जनता तय करेगी और जनता जो भी करेगी अच्छा करेगी, भरोसा रखिए जनता के। सर प्रोजेक्ट समेत पहले डिसीजन वेन टाइम काम, पर आप ये मानिए कि अगर मुख्यमंत्री के लिए कोई ये सब नहीं करता, आप तो गोवा की राजनीति से भली भांति परिचित है, यहाँ पे मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए लेके और देके बनते हैं, कोई 5 दिन का फास्ट करके नहीं बनते, तो 5 दिन के फास्ट करने से कोई नहीं बनता, पर पार्टी में टेकर डिसीजन एट अप्रोप्रिएट है। थैंक यू। मैं मेरा एक सिंबॉलिक कहना है कि पैसे लेके और देके यहाँ के सारी राजनीति आप इतने आदमी खरीद सकते हैं, इतने आदमी बेच सकते हैं, तभी तो सीएम बनते हैं ना, इतनी सीट खरीद के, इतने कैंडिडेट खरीद के, इतने एमएलए खरीद के। आई एम जस्ट सेइंग सिंबॉलिकली 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ आपके पास। आज तक कोई सीएम 5 दिन का फास्ट करके बनाए क्या? जो आपका प्रश्न है कि उन्होंने 5 दिन का फास्ट किया तो अब वो सीएम बनेंगे क्या? 5 दिन का फास्ट करके कोई सीएम नहीं बनता। 5 दिन का फास्ट करने से राजनीति साफ होती है, शुद्धिकरण होता है, पूरे माहौल का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, इसको उस तरह से देखिए। सीएम बनने के लिए 5 दिन का फास्ट नहीं होता, सीएम बनने के लिए एमएलए खरीदते हैं, सीएम बनने के लिए आप तो सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत है।